हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल की मूवी सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कास्ट की, तो सबसे पहले आते हैं टॉम क्रूज, रविका फ्रोजन, ब्लैंक रेम्स, सिमन पैग, जेरमी रेनर जो कि एमसीयू में हॉकाई का रोल प्ले करते हैं, और अब तो इसमें हेनरी कैविल भी जुड़ चुके हैं जो कि डीसीयू में सुपरमैन का रोल प्ले करते हैं। और मिशन इम्पॉसिबल की मूवी सीरीज में कुल 5 मूवी रिलीज करी गई हैं, जिसमें से सबसे पहली है मिशन इम्पॉसिबल जो कि रिलीज़ हुई थी 1996 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था ब्रायन डी पाल्मा ने। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10, मेटाक्रिटिक पे 59% और रोटन टमाटोज पे 62%, और इस मूवी को 88% लोगों ने पसंद किया है। और जो दूसरी मूवी है वो है मिशन इम्पॉसिबल 2 जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2000 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉन हू ने। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10, रोटन टमाटोज पे 57% और मेटाक्रिटिक पे 59%, और इस मूवी को 83% लोगों ने पसंद किया है। और जो तीसरी मूवी है वो है मिशन इम्पॉसिबल 3 जो कि रिलीज़ हुई थी 2006 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जे अब्राहम ने। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.9 आउट ऑफ 10, रोटन टमाटोज पे 70% और रोजर एल्बर्ट पे 2.5 आउट ऑफ 4, और इस मूवी को 90% लोगों ने पसंद किया है। और जो चौथी मूवी है वो है मिशन इम्पॉसिबल 4 गोस्ट प्रोटोकॉल जो कि रिलीज़ हुई थी 2011 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैड बर्ड ने, जिन्होंने के हाल ही में रिलीज़ हुई इनक्रेडिबल 2 को भी डायरेक्ट किया है। और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10, फिल्मी वेब पे 6.9 आउट ऑफ 10 और मेटाक्रिटिक पे 73%, और इस मूवी को 94% लोगों ने पसंद किया है। इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी का क्लाइमैक्स इंडिया में शूट किया गया है, और इसके लिए मिशन इम्पॉसिबल की कास्ट इंडिया आई थी, और इस मूवी में अनिल कपूर का एक कैमियो रोल भी है। सो एज अ इंडियन आप इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जो पाँचवीं मूवी है वो है मिशन इम्पॉसिबल 5 रोग नेशन जो कि रिलीज़ हुई थी 2015 में, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर मैक्यूरी ने, और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10, मेटाक्रिटिक पे 75% और रोटन टमाटोज पे 93%, और इस मूवी को 92% लोगों ने पसंद किया है। और जो छठी मूवी जो कि रिलीज़ होने वाली है वो है मिशन इम्पॉसिबल 6 फॉलआउट जो कि रिलीज़ होगी 27 जुलाई 2018 को, यानी इसी महीने, और पिछली मूवी की तरह ही इसको भी क्रिस्टोफर मैक्यूरी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है, आप चाहे तो YouTube पे जाके देख सकते हैं। और इसी मूवी के साथ DCU में सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हेनरी कैविल मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में डेब्यू करने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि टॉम क्रूज अपने सारे स्टंट खुद ही करते हैं, और ऐसे ही मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग के दौरान एक स्टंट में उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप मिशन इम्पॉसिबल 6 के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और एज अ इंडियन आप मिशन इम्पॉसिबल 4 को देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उसका क्लाइमैक्स इंडिया में शूट किया गया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।